नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा की पहल रंग लाई रेलवे ने। तालबेट क्षेत्रवासियों को नए वर्ष के पूर्व पुणे से जम्मू और जम्मू से पुणे जाने वाली झेलम एक्सप्रेस के स्टॉपेज की 30 सितंबर से घोषणा कर दी है, जिसको लेकर तालबेट वासियों में खुशी की लहर है। रणछोड़ धाम मेले की तैयारियों को लेकर ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिससे कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस मेले को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जा सके। जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आम जन को सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया तथा लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने सभी से अपील की, कहा जो लोग इन सेवाओं से वंचित रह गए हैं वह इन योजनाओं का लाभ अभी भी ले सकते हैं। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जिले में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तालबेट पुलिस ने एक मामले में वांछित चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। ललितपुर में जयंबे रक्तदान समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते जयंबे रक्तदान समिति की ओर से शिवम भारती ने किया पहली बार रक्तदान, जिसमें उन्होंने एक अत्यंत जरूरतमंद महिला को किया रक्तदान और दिखाई मानवता। तो वहीं 15 वर्षीय कुमारी रक्षा अहिरवार ग्राम जाकलोन निवासी को रात्रि में समिति के सदस्यों ने ब्लड बैंक पहुंचकर एक यूनिट ब्लड की व्यवस्था तत्काल कराकर सराहनीय कार्य किया। इस दौरान जयंबे रक्तदान समिति एवं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के युवा नगर अध्यक्ष दीपक राठौर, कन्हैया लाल रजक, चंदन सिंह, बलराम राज, कमल अहिरवार आदि मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने रक्तदाता शिवम भारती का बहुत बहुत आभार प्रकट किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ हमेशा स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना की। मुनि श्री विनर्म सागर महाराज के सत्संग तालबेट नगर आगमन पर श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह से कराया उन्हें नगर प्रवेश। उनकी अगुवानी के लिए धर्मालंबियों ने नगर को दुल्हन जैसा सजाया और जगह जगह तोरण द्वार लगाकर रंगोली बनाई गई थी। आपको बता दें कि 21 जनवरी से 26 जनवरी 2024 तक होने वाले ऐतिहासिक पंच कल्याणक एवं गजरथ महोत्सव का कार्यक्रम मुनि श्री के सानिध्य में सम्पन्न होगा।